Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे YouTube चैनल्स के नाम शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी ग्रोथ में खूब कंट्रीब्यूट किया था, सो दैट आप लोग भी कुछ ना कुछ नया सीख पाए उनसे। बिकॉज ये चीज मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कभी भी किसी एक YouTube चैनल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एक इंसान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बिकॉज वहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, क्योंकि मैं भी खुद नई नई चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, तभी आप लोगों के लिए इतना डिफरेंट कंटेंट ला पाता हूँ। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नोट करनी है और वो ये है कि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना सीखे कहीं से, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना सीखे जो आपके काम नहीं आने वाली। तो उस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, जिसका लिंक मैं यहाँ भी कहीं पे दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करना चाहूंगा जिसने ऑनेस्टली मेरी सक्सेस स्टोरी में बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी, और वो है ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड का सिंपली मतलब है बीइंग थैंकफुल, यानी कि जो भी आपके पास है आप उसमें खुश हैं, आप उससे अपना बेस्ट दे रहे हैं, रादर देन कंप्लेनिंग कि मेरे पास ये नहीं है, रादर देन कंप्लेनिंग कि मुझे ये चीज चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों को एक सच बात बताऊं तो आज से 4 से 5 साल पहले भी मैं उतना ही खुश था जितना खुश मैं आज हूँ। नहीं, वैसे आज थोड़ा ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जोक्स अपार्ट, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बड़ी चीजें आसानी से आई और जल्दी आई। और दूसरी चीज जिसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया वो ये थी कि हर रोज मुझे कल से ज्यादा देना है आगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोग किसी की मदद करते हैं या जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं ऊपर उठने में, तो आप हमेशा उनसे ऊपर रहते हैं। और जो भी लोग ट्राई करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरों को पुल डाउन करने का, आपको तो पता ही है कि वो कहाँ पे होंगे। तो बस काफी सारे लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे YouTube चैनल्स के नाम जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना के रखी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं तो मेरी लाइफ में सबसे मेजर रोल मिक्सिंग समझने में, या अगर एक स्टेप और डीप जाऊं तो सैचुरेशन वर्ड समझने में जिसने मेरी हेल्प की है, उनका नाम है वॉरेन हुवर्ड। उसके बाद एंड्रू हुआंग, साइमन सर्विडा, एड टैलेंटी ने प्रोडक्शन में काफी मेजर रोल प्ले किया है, बिकॉज उन लोगों के वीडियोस काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, प्लस कोई भी नया म्यूजिक रिलेटेड गियर आता है एंड्रू उसको रिव्यू भी करते हैं, तो वो चीज मेरे को काफी ज्यादा इनसाइटफुल लगती है, बिकॉज इंडिया में चीजें बाद में आती है, बाहर पहले लॉन्च होती है। उसके बाद एक काफी ज्यादा अंडर रेटेड चैनल है टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल डेफिनेशन समझने का, जिसका नाम है ऑडियो यूनिवर्सिटी, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस मिक्सिंग में जाना चाहते हैं, फेस शिफ्ट वगैरह के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए फैब फिल्टर के चैनल पे आप लोगों को काफी अच्छे मिक्सिंग मास्टरिंग के प्लेलिस्ट दिखेंगे, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके लिए जो इंसान वीडियोस बनाते हैं जिनका नाम है डैन वॉरेल, उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे वो काफी ज्यादा क्रेजी, काफी ज्यादा माइंड बॉगलिंग चीजें डालते हैं। इसके अलावा मुझे मिक्स विद द मास्टर्स और रिक बियाटो के ब्रेकडाउन वीडियोस बहुत पसंद है, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है उससे। और कुछ और काफी सही चैनल्स जो मुझे लगते हैं वो है डॉक्टर मिक्स, सॉल्ट स्टेट, सेज ऑडियो, इन द मिक्स, इनसे मैं हियर एंड देयर कुछ ना कुछ टॉपिक सीखता रहता हूँ। इंडियन चैनल्स के मैंने नाम यहाँ पे नहीं बोले, बिकॉज जेन्युइनली आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि आप सब लोग जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं वो लोग हिंदी तो जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करूं तो देव भाई के एक्सप्लेनेशंस मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज हमारी डिस्कशंस आपस में भी चलती रहती हैं, कभी किसी हार्डवेयर की, कभी किसी प्लगइन की, कभी किसी टॉपिक की। इसके बाद ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड्स के जो शुभराज हैं, उनकी मेरे को म्यूजिक रिलेटेड क्रिएटिविटी काफी पसंद है, तो आप लोग उनके भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आई नो हो सकता है मैंने हियर एंड देयर कुछ ना कुछ नाम स्किप कर दिए, बिकॉज ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसको मैंने सिर्फ आधे एक घंटे में फॉर्मुलेट किया है इस वीडियो के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक मेजर टास्क लेके आया हूँ, एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। याद है कि अभी मैं कुछ देर पहले गिविंग की बात कर रहा था, आगे देने की बात कर रहा था, चीजें शेयर करने की बात कर रहा था, तो हाँ जी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव का पार्ट ले, आप लोग भी मदद कर पाए किसी की, बिकॉज इवेंचुअली किसी की मदद करने के लिए आपके पास एक YouTube चैनल होना जरूरी नहीं है। तो इनकेस अगर आप लोग मेरे साथ इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं, तो सिंपली कमेंट्स में कोई भी दो ऐसे YouTube चैनल्स के नाम लिखिए जो आप लोग फॉलो करते हैं, जिससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा है, जिससे आप लोगों को लगता है कि किसी और का बेनिफिट होगा, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड चैनल्स हैं जिनके बारे में अभी काफी सारी जनता नहीं जानती है। एंड मेक श्योर करें कि इस वीडियो में जो नाम मैंने लिए हैं आप लोग उनको कमेंट ना करें नीचे, सो दैट जो भी इंसान इस वीडियो को देखने आए कमेंट सेक्शन में जाए तो उसको कुछ ना कुछ एडिशनल सीखने को मिले। और इनकेस अगर आप लोगों को किसी भी कमेंट से हेल्प मिलती है, किसी भी कमेंट से कुछ नया सीखने को मिलता है, तो जरूर उसमें एक छोटा सा थैंक यू ड्रॉप करें, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था, ग्रैटिट्यूड इज
तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भाई ये वीडियो तो एकदम वाइन की तरह है। वो कैसे? जैसे वाइन का टेस्ट समय के साथ साथ बढ़िया होता रहता है, वैसे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन उसमें राइट आर्मी का बहुत ही मेजर रोल है। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। अगर मैं सॉरी चैनल्स के वीडियोस ई के चैनल पे अपलोड कर दूँ तो उसमें लोगों को आसानी भी होगी और मैं खूब सारा पैसा भी कमा लूंगा।